हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रश्मि और सिद्धार्थ के बारे में। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। क्यों सिद्धार्थ और रश्मि सेट पर लड़ते थे? एक्ट्रेस की माँ ने दिया जवाब। बिग बॉस रश्मि देसाई की माँ ने तो बेटी की सिद्धार्थ संग दोस्ती और सेट पर हुए झगड़े पर बात की। सो दिल से दिल तक के सेट पर क्या हुआ था, क्यों दोनों के बीच लड़ाइयाँ हुई, जाने। सिद्धार्थ और रश्मि की दोस्ती और दुश्मनी दोनों के खूब चर्चा में है। दोनों ही बिग बॉस 13 के फिनाले वीक में पहुंच चुके थे। रियलिटी शो काफ़ी लड़ने झगड़ने के बाद आजकल सिद्धार्थ और रश्मि दोस्त हो गए हैं, लेकिन उनकी दिल से दिल तक के सेट पर लड़ाई की क्या वजह थी, इस पर आज भी सस्पेंस बना हुआ है। स्टाफ बॉय की खास बातचीत में रश्मि देसाई की माँ ने बसील देसाई ने बेटी की सिद्धार्थ संग दोस्ती और सेट पर हुए झगड़े पर बात की। दिल से दिल तक के सेट पर क्या हुआ था, क्यों दोनों के बीच लड़ाई हुई, इस सवाल के जवाब में एक्ट्रेस की माँ ने कहा, मुझे सच में नहीं पता दोनों के बीच सेट पर क्या हुआ था। रश्मि ने मुझे कभी ये सब नहीं बताया। तब मैं स्कूल में काम करती थी जो कि काफ़ी दूर था। रश्मि ज़्यादातर सेट पर ही रहती थी, हमेशा बात करने के काम मौके पर ही, लेकिन काम आइडिया था कि दोनों के सेट पर लड़ाइयाँ होती हैं। बता दें कि सेट पर दोनों की काफ़ी विवाद हुआ था, इसके बाद उन्होंने बिग बॉस में एंट्री की, यह भी लड़ाई ही हो रही थी। रसील देसाई ने पूछा गया कि क्या वह सिद्धार्थ रश्मि को एक ही घर में देखकर हैरान नहीं हुई। जवाब में एक्ट्रेस ने की माँ ने कहा, शुरुआत में मुझे हिचकिचाहट हुई थी, लेकिन जब मैंने देखा कि रश्मि देसाई ने कहा वो सिद्धार्थ को जानती है और उनसे बॉन्डिंग कर सकती है, फिर मैं रिलैक्स हो गई। मुझे लगा दोनों ने अपने अतीत को पीछे रखकर शो में एंट्री की है, इसलिए मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ ही समय मैंने देखा कि उन्होंने दोबारा से लड़ना शुरू कर दिया है। रश्मि की माँ ने माना है कि सिद्धार्थ ऐसी लड़की कमेंट पर जो स्टेड रश्मि देसाई ने किया था वो एकदम ही सही था। ओके दोस्तों, हमारी वीडियो समाप्त होती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।